हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सचिन मलिक। मैं आप सभी का मलिक ला क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से फ्रेमिंग ऑफ इशू, जो कि डील करता है ऑर्ड नंबर 14 से, फ्रेमिंग ऑफ इशूज के बारे में डिस्कशन करूंगा। आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। बात करें फ्रेंड्स फ्रेमिंग ऑफ इशू। फ्रेमिंग ऑफ इशू इज़ ए प्रोबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रायल ऑफ ए सिविल सूट। कहने का मतलब यह है कि फ्रेमिंग ऑफ इशू किसी भी सिविल सूट मीन्स दीवानी मुकदमे का इंपॉर्टेंट पार्ट है सूट को डिस्पोज ऑफ करने में। फ्रेमिंग ऑफ इशू किसी भी मामले में कम से कम समय में सही और सटीक निर्णय के लिए, सही और सटीक मुद्दे को तैयार करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोर्ट कोरेक्ट और एक्यूरेट निर्णय चाहती है किसी भी सिविल सूट का, तो फ्रेमिंग ऑफ इशू इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बात करें फ्रेंड्स, अगर कोई मैटर चल रहा है आपका, पेंडिंग है सिविल कोर्ट में कोई सिविल सूट, उसमें अगर गलत मुद्दा है और गलत मुद्दे के कारण गलत इशूज फ्रेम क्या किए जा रहे हैं, फ्रेम किए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा, तो इससे क्या होगा, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होएगा और पार्टीज के साथ क्या होगा, अनजस्टिस होएगा। ऐसे ही एक हिट लिस्ट जजमेंट थी सिद्धि चुन्नीलाल बनाम सुरेश गोपी किशन 2009 सीरीज 6 BCR 857 पेज पे। इस केस में देखा गया था कि जो कोर्ट है उसके द्वारा अगर सही और सटीक इशूज फ्रेम नहीं किए जाएंगे तो उस मैटर में पार्टीज़ के साथ क्या होएगा, अनजस्टिस होएगा और कोर्ट का जो टाइम है वो वेस्ट होएगा। इसीलिए फ्रेमिंग ऑफ इशूज इम्पोर्टेंट पार्ट है सिविल सूट में। बात करें फ्रेंड्स फ्रेमिंग ऑफ इशूज की, फ्रेमिंग ऑफ इशूज को ऑर्डर 14 में डिफाइन कर रखा है, इसके प्रोसीजर के बारे में ऑर्डर 14 में बता रखा है। अब बात करें फ्रेंड्स व्हाट आर द इशूज और डेफिनेशन ऑफ इशूज। इशूज मीन्स ए सिंगल मेटेरियल पॉइंट ऑफ फैक्ट और लॉ इन दी लिटिगेशन दैट इज अफ्रेम्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी टू दी सूट एंड दैट सब्जेक्ट ऑफ द फाइनल डिटरमिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। कहने का मतलब ये है कि जो इशूज है ये क्या है, एक सिंगल मेटेरियल पॉइंट होता है जिसमें फैक्ट और लॉ का क्या होता है, लिटिगेशन होता है। उसमें एक पार्टी क्या करती है, डिनाई करती है, एक पार्टी क्या करती है, एडमिट करती है। कहने का मतलब यह है कि प्लेंटिव डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल करता है, डिफेंडेंट उसकी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में प्लेंटिव के जो प्लेंट को क्या है, डिनाई करता है, और दोनों पार्टीज को एग्जामिन करने के बाद, प्लेंटिव और डिफेंडेंट को एग्जामिन करने के बाद जो सिविल कोर्ट है वो क्या करती है, इशूज फ्रेम करती है। इशूज फ्रेम मीन्स सारे डॉक्यूमेंट देख लेगी जो कोर्ट होती है, उसके बाद पार्टी को एग्जामिन करेगी और पार्टी को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट क्या करेगी, इशूज फ्रेम करेगी। अब बात करें फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ इशू कि इशूज कितने काइंड्स होते हैं, इशूज के कितने काइंड्स होते हैं। ऑर्डर 14 रूल 1 सब क्लोज 1 डील विथ काइंड्स ऑफ इशू। फर्स्ट इशू ऑफ फैक्ट, सेकेंड इशू ऑफ लॉ। दो टाइप के इशूज होते हैं, फर्स्ट होता है इशूज ऑफ फैक्ट एंड इशूज ऑफ लॉ। अब बात करें फ्रेंड्स व्हेन इशूज आर फ्रेम्ड, ऑर्डर 14 रूल 1 कहता है कि जब कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में क्या करती है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को क्या कर लेती है, पढ़ लेती है और प्लीडर्स को क्या कर लेती है, सुन लेती है, उसके बाद कोर्ट क्या करती है, इशूज फ्रेम करती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है फ्रेंड्स। ऑर्डर 14 रूल 1 ये कहता है कि भाई जब कोर्ट है ना, कोर्ट के पास कोई सूट चल रहा है प्लेंटिव और डिफेंडेंट के बीच में, तो कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले प्लेंटिव के प्लेंट को रीड आउट करेगी, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट को रीड आउट करेगी, उसके बाद पार्टीज को एग्जामिन करेगी, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करेगी और प्लीडर्स को सुनने के बाद क्या करेगी, इशूज फ्रेम किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जो इशूज फ्रेम है ये ड्यूटी ऑफ द कोर्ट होती है, ये कोर्ट की ड्यूटी होती है इशू फ्रेम करना किसी भी सिविल मैटर में। अब बात करें फ्रेंड्स पोस्टपोन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू कि जो कोर्ट है वो पोस्टपोन भी कर सकती है फ्रेमिंग ऑफ इशू को, जब कोर्ट को पता चलता है कि जो इशूज है ना वो करेक्टली फ्रेम्ड नहीं हुए, मतलब वो सही तरीके से फ्रेम्ड नहीं हुए, या तो कोई पार्टीज क्या है उसको एग्जामिन करना रहता है या कोई डॉक्यूमेंट है उसका इंस्पेक्शन करना कोर्ट के द्वारा रह जाता है, तो ऐसे मैटर में जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है इशूज फ्रेमिंग ऑफ इशूज को।
फ्रेमिंग ऑफ इशूज को पोस्टपोन कब करेगी फ्रेंड्स, जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई सूट चल रहा है और सूट के दौरान कोर्ट क्या कर देती है, इशूज फ्रेम कर देती है, और इशूज फ्रेम करने के बाद कोर्ट को पता चलता है कि हाँ भाई जो इशूज हैं वो सही तरीके से क्या हुआ फ्रेम नहीं हुए, तो कोर्ट क्या करेगी, दोबारा से पार्टीज को एग्जामिन करेगी, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करेगी और उसके बाद क्या करेगी, इशूज फ्रेम करेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अमेंडमेंट ऑफ इशू ऑफ फ्रेम कि कोर्ट क्या कर सकती है, अमेंडमेंट भी कर सकती है और एडिशन भी कर सकती है इशूज ऑफ फ्रेम में। वो कब, वो ऑर्डर 14 रूल 5 हम ये बताता है कि जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, अमेंडमेंट भी कर सकती है फ्रेमिंग ऑफ इशूज में, जब उसको ये लगता है कि भाई कोई चीज़ छूट गई है, कोई डॉक्यूमेंट था वो छूट गया है जिसके भी आप पे इशूज फ्रेम होने थे, तो कोर्ट क्या कर सकती है ऑर्डर 14 रूल 5 में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट भी कर सकती है और एडिशन भी कर सकती है फ्रेमिंग ऑफ इशूज में। अब बात करते हैं हाउ इशूज आर फ्रेम्ड कि इशूज को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। फर्स्ट पार्टीज को क्या होती है, जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट किसी सिविल सूट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, तो वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। प्लेंटिफ अपना सूट प्लेंट फाइल करता है कोर्ट में, डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। प्लेंटिफ अपना जो प्लेंट होता है वो कोर्ट में प्रेजेंट करता है और उसके जवाब में जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो क्या है, इशूज को फ्रेम करने के लिए एलिगेशन, ठीक है, कि एलिगेशन क्या है, जो एलिगेशन है वो पार्टीज के द्वारा बाय ओथ लगाए जाते हैं, ऑन ओथ बाय दी पार्टीज, ठीक है, एलिगेशन मेड ऑन ओथ बाय दी पार्टीज। सेकेंड कि भाई जो पार्टी है उनको एग्जामिन कर लिया है, डॉक्यूमेंट को देख लिया, उसके बाद क्या किया जाएगा, इशूड फ्रेम किया जाएगा, ठीक है। थर्ड प्लीडर को सुनने के बाद और केस को प्रॉपरली तरीके से देखने के बाद कोर्ट क्या करेगी, इशूज फ्रेम करेगी, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स इशूज के टू काइंड है, इशूज ऑफ फैक्ट एंड इशूज ऑफ लॉ, ठीक है। इशूज ऑफ फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इशूज ऑफ लॉ भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करें फ्रेंड्स कंक्लूजन फ्रेमिंग ऑफ इशूज का, तो फ्रेमिंग ऑफ इशूज है इसका एक मेन पर्पज होता है कि इशूज आर राइज वैनी मेटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट लॉ इज फ्रॉम्ड बाई वन पार्टी एंड डिनाइड बाई अनदर पार्टी, कि एक पार्टी क्या करती है एलिगेशन लगाती है दूसरी पार्टी पे, एक पार्टी एलिगेशन लगा रही है दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेटेरियल प्रोपोजिशन है। मेटेरियल प्रोपोजिशन मीन्स, मेटेरियल प्रोपोजिशन को आप कोज ऑफ एक्शन कह सकते हो, ठीक है, कि कोज ऑफ एक्शन क्या रहा, किसी भी सूट में क्या है कि फाइल करने का क्या रीज़न रहता है, कि क्या कोज है, मतलब आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या लिटिगेशन है आपके बीच में कि आप एक दूसरे पर क्या कर रहे हो, अपना एलिगेशन लगा रहे हो, उसे बोलते हैं मेटेरियल प्रोपोजिशन। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मेरे वीडियोज़ को लाइक करोगे। थैंक यू सो मच।